नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डिजिटल डेस्क भोपाल। ईरान ने पड़ोसी पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड को IRGC के मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने शनिवार को कहा कि वह अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। बता दें कि बुधवार को आतंकियों द्वारा किए गए आत्मघाती विस्फोट में ईरान के 27 IRGC गार्ड्स की मौत हो गई थी। जाफरी ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सैनिकों पर हमला करने वाले आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। जाफरी ने कहा, पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा संस्था रिफ्यूजी को शरण क्यों देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान इसके लिए काफी पैसा देता होगा। वहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE आतंकवादियों का समर्थन करने से इनकार करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जाफरी ने कहा, हम अपने सैनिकों की मौत बेकार नहीं जाने देंगे। अगर पाकिस्तान आतंक से लड़ने में सक्षम नहीं है तो ईरान न आतंकवादी समूह से लड़ने को तैयार है। जाफरी हमले में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुई भीड़ को संबोधित कर रहे थे। जाफरी ने कहा, हमने पिछले एक साल में 6 या 7 आत्मघाती हमलों को नाकाम कर दिया था, हालांकि वह इस बार कामयाब हुए। जाफरी ने कहा, सऊदी और UAE सरकारें भरोसे के लायक नहीं हैं। उनको पता होना चाहिए कि ईरान का धैर्य समाप्त हो गया है और हम अब इन इस्लाम विरोधी अपराधियों के लिए आपका समर्थन नहीं करेंगे। हम सऊदी और UAE सरकारों से भी अपने शहीदों के खून का बदला लेंगे और राष्ट्रपति हसन रूहानी से कहेंगे कि हमारे बंधे हुए हाथों को हमेशा के लिए मुक्त कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि पाक सरकार को भी ऐसे आतंकी संगठन को समर्थन नहीं करना चाहिए। बता दें कि ईरान में बुधवार को खास जहेदन सेक्ट में एक आत्मघाती हमले में 2 IRGC गार्ड्स की मौत हो गई थी। यह विस्फोट बस के अंदर हुआ था जिसमें कई सारे सैनिक जा रहे थे। बम विस्फोट में 17 और लोगों को चोट आई थी।